क्या रामचरितमानस नफरती है? क्या मनुस्मृति नफरत फैलाती है? सुनिए इन ग्रंथों को लेकर क्या बोले बिहार के मंत्री। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं-16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूज्य विप्रशील गुण ही ना, अपूज्य न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो अपूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला करार दिया। उन्होंने मनुस्मृति पर भी सवाल खड़े किए। उनका अपना क्या मानना है, आप पहले इसे सुन लीजिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। चंद्रशेखर ने कहा, ये धार्मिक ग्रंथ दलितों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि उन्हें हक दिलाने से भी रोकते हैं। मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया है। मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है, आपको मिल जाएगा। इसी टॉपिक में उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति मतलब नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा, जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, शिक्षा और ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। न तो ईश्वर किसी जाति का दास है, न शिक्षा किसी जाति का दास है। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण है कि रूढ़िवादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा, पोंगा पंडितों द्वारा यह बताया गया कि फलाना जाति नीच है, चिलाना जाति नीच है, उसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो। मगर प्रभु परमात्मा ईश्वर ने एक ऐसा सूरमा पैदा किया भारत की भूमि पर, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिसके जैसे अछूत होने के कारण क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रभु परमात्मा ने इतना ज्ञान से उनको लैस किया कि इस भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में, वहां जाकर के ज्ञान का परचम लहराए। बिहार के मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की सोच की बीजेपी ने निंदा की है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि मंत्री ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में धार्मिक घृणा पर आधारित मूर्खतापूर्ण राय पेश की है। रामचरितमानस पूरे देश में हिंदुओं के बीच सबसे लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है। लोगों का मानना है कि रामचरितमानस
अपने समय से लेकर आज तक आम आदमी को मोटिवेट करता रहा है। जहां तक तुलसीदास का सवाल है, तो हर एक रचनाकार की तरह वो अपने समय के समाज का ही चित्रण कर रहे थे। अब आज के मंत्री की राय ठीक है या तुलसीदास की, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।